हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग ऑप एम्प। जैसा कि हम जानते हैं, मल्टी वाइब्रेटर इज अ डिवाइस विच कैन वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। नॉर्मली इट वाइब्रेट बिटवीन टू लेवल्स, दैट इज लो लेवल एंड वॉट हाई लेवल, जीरो एंड वन, माइनस वी सेट एंड वॉट प्लस वी सेट। ओके, एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मल्टी वाइब्रेटर, बायस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल। एंड वी कैन डिजाइन मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग ऑप एम, बाय यूजिंग 555 टाइमर एंड बाय यूजिंग बीजेटी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, तो ये है आपके सामने सर्किट। हम डिस्कस करेंगे कि वाई इट इज कॉल्ड बायस्टेबल और अलग अलग क्या नाम है। और ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सर्किट है सिमिट ट्रिगर, राइट, जो इनपुट को स्क्वायर वे में कन्वर्ट कर देता है, तो सिमिट ट्रिगर इज ऑल्सो अ बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। आपके सामने एक सर्किट है जिसमें हमने इनपुट जो लगाया है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, और यहां पर देखिए जो फीडबैक है वो पॉजिटिव फीडबैक है। यस, यही बात ध्यान देने वाली है कि इसमें हम लोग जो फीडबैक लगाते हैं दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक। हर मल्टी वाइब्रेटर में जो फीडबैक होता है वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। ओके, इसीलिए आउटपुट के दो लेवल्स होते हैं, या तो प्लस वी सेट या फिर माइनस वी सेट। क्योंकि जब भी ऑप एम में हम पॉजिटिव फीडबैक लगाते हैं तो हमेशा ऑपरेशनल एम्पलीफायर सैचुरेशन में चला जाता है, या तो पॉजिटिव सैचुरेशन या फिर नेगेटिव सैचुरेशन। यहां भी देखिए, आपने देखो पॉजिटिव फीडबैक लगाया हुआ है, और इस बार इनपुट जो हमने लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, दिस इज द इन्वर्टिंग टर्मिनल। इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू व्हाट? ग्राउंड। यहां जो आपको एक कर्व दिखाई दे रहा है दैट इज नथिंग बट ट्रांसफर कर्व, वी नॉट वर्सेस वी आई, और साथ में आपको एक कर्व में एक लूप दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लूप। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन सब पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, मायसेल्फ संजय राठी, I have qualified engineering services exam 3 times. I am having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. आप मेरे experience का अगर फायदा लेना चाहते हैं तो आज से एक strategy follow कीजिए ताकि आप इन exams में top rank ला सकें। Basic concept बनाइए standard textbook से, then number of questions बनाइए from standard textbook, उसके बाद आप solve कीजिए previous year question। लेकिन normally हम लोग करते क्या हैं? हम लोग उल्टी गंगा बहाते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर टेक्स्ट बुक में देखते हैं, और वहाँ अगर कोई डाउट लगा तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, ऐसा आप करेंगे ना तो क्वालिफाई तो कर जाएंगे किसी एग्जाम में, लेकिन कभी भी आप टॉप रैंक अचीव नहीं कर सकते, राइट। अब आप सिस्टमेटिक ढंग से जब पढ़ेंगे ना तो डाउट्स आएंगे, क्योंकि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, तो डाउट क्लियर कौन करेगा? तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही मुझे व्हाट्सअप कीजिए इस नंबर पर 9899-400-96 और हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहां हम लोग लेते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन, बस आप इतना लिखकर भेजिए आई एम इंटरेस्टेड, राइट। अब आपका जरूर क्वेश्चन होगा, सर अभी आप कहाँ हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज अवेलेबल है, राइट। आपने हमारी एंथम भी जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट। ये मोटिवेट करती है कि बड़े सपने देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में टॉप कीजिए, गेट में टॉप कीजिए, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बनिए और आईआईटी आईएससी से अपनी हायर स्टडीज कंप्लीट कीजिए। ओके, बस आप सपने देखिए, हम आपकी मदद करेंगे इन सपनों को पूरा करने में, टिप्स देंगे, ट्रिक्स देंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, राइट। तो चलिए, इसी बेस पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ESE गेट एंड PSU 2021-22-23, 1 year प्रोग्राम, 2 year प्रोग्राम, 3 years प्रोग्राम, फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, फॉर ड्रॉपर्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जितनी जल्दी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं, याद रखेगा हम इंजीनियर्स हैं। ओके, तो आप मेरा कोड यूज़ कीजिए SR10 फॉर 10% डिस्काउंट, बहुत ही छोटी बात है, फॉर माई पर्सनल गाइडेंस, राइट। तो मैं आप लोगों को 2-3 साल के लिए पर्सनली गाइड करूंगा कि इन एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाता है। ये आप मेरे सब्जेक्ट्स देख सकते हैं ऑन यूट्यूब, राइट। तो ये पूरे हैं नेटवर्क, ADC, एनालॉग, माइक्रोप्रोसेसर, कंट्रोल एंड सो ऑन। आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कीजिए। तो चलिए,
हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं जो आपको बात बता दूं व्हाई इट इज कॉल्ड बायस्टेबल। देखिए, अगर आउटपुट में जीरो है, ये एक स्टेट है, जब तक आप एक्सटर्नल इनपुट नहीं देंगे दैट इज कॉल्ड ट्रिगर, तब तक ये वन नहीं होगा। मतलब ये स्टेट स्टेबल है, जब तक आपको इनपुट नहीं देते आउटपुट में कोई चेंज नहीं होता। जैसे कि लाइट, जब तक मैं इसे ऑफ नहीं करूंगा ये ऑफ नहीं होगी, जब तक मैं इसे ऑन नहीं करूंगा ये ऑन नहीं होगी। तो राइट, अब जैसे ही मैंने ट्रिगर दिया जीरो टू वन हो गया, और वन को अगर मैंने ट्रिगर दिया तो ये जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये भी स्टेबल है और वो भी स्टेबल है, तो दो स्टेट है, दोनों ही स्टेबल है, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, राइट। फॉर एग्जाम्पल, घर में जो स्विचेस है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑन करना है या ऑफ करना है, आपको जाके ट्रिगर देना होगा। फूक मारने से ऑन और ऑफ नहीं हो सकता, मतलब नॉइज इसको ऑन और ऑफ नहीं कर सकता। फूक तो मैंने बहुत छोटी बात बोली, आंधी तूफान भी आ जाए ना तो स्विच नॉर्मली अपने आप ऑन और ऑफ नहीं हो सकते, राइट। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि जब तक आप फ्लिप फ्लॉप में कोई इनपुट नहीं दोगे आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आते, चाहे वो SR हो, चाहे वो T हो, चाहे वो JK हो, चाहे वो D फ्लिप फ्लॉप हो, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी, नाम याद जरूर रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी, ओके, इट इज अ बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। हम डिजाइन करते हैं सिमट ट्रिगर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, याद रखिएगा सिमट ट्रिगर इज ऑल्सो अ बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसके बारे में हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिस पर हम लोग सिमट ट्रिगर को पूरा डिस्कस करेंगे, राइट। और यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर पॉजिटिव फीडबैक है। देखिए, एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक होता है, लेकिन यहां पर आपने पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ, ये प्लस से और ये माइनस है, यहां प्लस वी सेट और माइनस वी सेट। चूंकि यहां पॉजिटिव फीडबैक है तो आउटपुट हमेशा सेचुरेशन पे रहेगा, या तो प्लस वी सेट या फिर माइनस वी सेट। जब भी आप ऑपएम में पॉजिटिव फीडबैक लगाते हैं तो ऑपएम के दो ही आउटपुट होते हैं, या तो प्लस वी सेट या फिर माइनस वी सेट। प्लस वी सेट से माइनस वी सेट या फिर माइनस वी सेट से प्लस वी सेट जाने में आपको हमेशा क्या लगाना होगा, ट्रिगर लगाना होगा। बिना ट्रिगर कभी भी आउटपुट में चेंज नहीं आएगा। ये जो आपको ट्रांसफर कर्व दिखाई दे रहा है, राइट, इस ट्रांसफर कर्व में एक लूप बन रहा है। देखिए, आप एक लूप दिखाई दे रहा है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। ये देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये इधर से गया, इधर आया, इधर गया, और ये ऐसे घूम रहा है, राइट। तो जब भी आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये गया, ये आया, एक ऐसे घूम रहा है, राइट। और दिस लूप इज कॉल्ड व्हाट, हिस्टेरेसिस लूप। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इन केस ऑफ सिमट ट्रिगर, ओके। सेकेंड डायग्राम है, दोनों में इतना अंतर है कि यहां पर जो इनपुट लगा हुआ है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है। देखिए, आपने साफ साफ लगाया हुआ है इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, ये पॉजिटिव है, राइट। और यहां जो आपने इनपुट लगाया हुआ है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है, दिस इज प्लस दैट इज माइनस, इस पर लगा हुआ है। तो देखिए, लूप में भी ध्यान देना, जब आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगा हुआ है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। देखिए, आपके ऑब्जेक्टिव तो इसी से बन जाएंगे, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब आपने इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाया है, पॉजिटिव टर्मिनल पे लगाया है, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। देखिए एरो इसका, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वैसे भी काउंटर क्लॉकवाइज में एंगल को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में हम लोग एंगल को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो याद रखने का तरीका है, जब भी आपका इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है एंटी क्लॉकवाइज, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है तो क्लॉकवाइज, एंड दैट लूप इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप, ओके। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जरूर। आज हम बात कर रहे हैं बायस्टेबल की। बायस्टेबल का जैसा कि मैंने नाम बताया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्विच, ओके। तो चलिए, अब अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देन BJT, देन व्हाट, 555 टाइमर, और साथ में हम लोग डिजाइन करेंगे सिमट ट्रिगर सर्किट। डिटेल्ड कोर्स के लिए आज ही आप सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी विथ माई कोड SR10 फॉर पर्सनल गाइडेंस एंड फॉर 10% डिस्काउंट। फीस है ओनली 22,500 फॉर वन ईयर एंड 27,000 फॉर टू ईयर्स। EMI ऑप्शन अवेलेबल है ऑल क्रेडिट कार्ड्स एंड HDFC डेबिट कार्ड पर। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे एंड गुड लक, थैंक यू।